नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नवरात्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। ये सौगात उन्हें मिशन शक्ति के तौर पर दी गई है, जिसमें थाने और तहसील में हेल्प डेस्क बनाने को कहा गया है। इसके साथ कई और पहल इसे लेकर मुख्यमंत्री ने की है। रिपोर्ट देखिए। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा और शांति की कामना का फल देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माध्यम बने हैं। हालांकि ये फल भी किसी परीक्षा की तरह ही होगा, लेकिन फल के लिए पहल जरूरी थी, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारम्भ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत उस जमीन से की है जहां बेटी के साथ हुई बर्बरता ने बलरामपुर को राष्ट्रीय फलक पर ला दिया था। बलरामपुर की जमीन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में बेटियों के लिए सुरक्षा और सहूलियत के दरवाजे खोले हैं, जहाँ से बेटियाँ प्रवेश कर अपने हक, इंसाफ और हिफाजत की आवाज बुलंद कर सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई घोषणाएं भी की, जिसके मुताबिक पुलिस भर्तियों में अब 20% सीट का मौका बेटियों को मिलेगा। मिशन शक्ति की मुहिम 3 चरणों में 180 दिन चलेगी। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का कमरा खास होगा। इसमें एक महिला अधिकारी और सिपाही की तैनाती होगी। मिशन शक्ति की इस मुहिम से 24 सरकारी विभाग और लोकल NGO जुड़ेंगे। ये मुहिम फिलहाल 25 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद अप्रैल तक हर महीने एक एक हफ्ते ये अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए तारीख के हिसाब से थीम भी तय कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ किया है कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों की इज्जत सरेआम उतारी जाएगी। वो पोस्टर, बैनर और उनकी पब्लिकली नुमाइश करके ये काम किसी शख्स को खुद नहीं करना होगा, बल्कि सरकार करेगी। जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसके प्रति कानून के दायरे में उन्हें लाकर के कठोरतम सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इसलिए मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आदि शक्ति माँ भगवती के इस पावन धाम से शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह एक अभियान आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। बेइज्जती की इस खुराक से अपराधियों को शर्मिंदा किया जाएगा, लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। मिशन शक्ति के तहत ऐसे अपराधियों को दबोचने के लिए तैयारी की जाएगी। पहले ऐलान करता है कि प्रदेश में बहन और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान में सेंध कोई नहीं लगाएगा, उसकी जगह कहां होनी है ये कानून तय करेगा और कानून के दायरे में लाकर के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य ऐसे लोगों को करेगी सरकार, और इसके लिए पूरी तैयारी सरकार ने की है। जब ऑपरेशन शक्ति का एक कार्यक्रम आगे चलेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें दंडित करवाना, कानून के दायरे में ला करके दंडित कराना और उस क्रम में फिर आगे चल करके सभ्य समाज के दुश्मन कौन लोग हैं, ऐसे लोगों की फिर तस्वीरें चौराहे पर लगा करके समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करने के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की दिशा में आज आपके बीच आए हैं। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की है।
वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 40 महिला सिपाहियों को पिंक स्कूटी के साथ हरी झंडी दिखाई। ये महिला सिपाही भी मिशन शक्ति के तहत राजधानी लखनऊ में अब महिलाओं और बेटियों की हिफाजत को पुख्ता करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज से उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। उसी कड़ी में आज से राजधानी लखनऊ के 100 चौराहों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसे ही एक पिंक पुलिस की शुरुआत की गई है, यानी पिंक गाड़ियों में, चाहे वो स्कूटी हो या TUV, हर चौराहे पर महिलाओं के मदद के लिए, महिला संबंधी अपराधों के लिए एक पिंक पुलिस तैनात की गई है। पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर ये महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगे। यानी कि अब अगर लखनऊ की सड़कों पर, गली मोहल्ले से अगर किसी महिला को पुलिस की मदद की ज़रूरत होगी तो वो इन पुलिस के पिंक बूथ पर पहुंच सकेगी और पुलिस हमेशा उनके लिए मदद करेगी। इन पिंक बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। शुरुआत राजधानी लखनऊ से की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द राजधानी लखनऊ के बाद ये पिंक पुलिसिंग की शुरुआत प्रयागराज, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में होगी। बलरामपुर, लखनऊ के साथ साथ मेरठ में भी मिशन शक्ति की शुरुआत की जा रही है। यहां सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी की तैनाती होगी, जो महिलाओं की शिकायतों को सुनने के साथ साथ हर समय महिलाओं की मदद के लिए तत्पर रहेंगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक थाने में महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं के प्रति अपराधियों को सुना जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिससे महिलाओं को आसानी होगी। शासन स्तर से निर्णय लिया गया है कि एक मिशन शक्ति स्टार्ट हो रहा है कल से। ये पूरे हफ्ते भर का प्रोग्राम है। इसमें ये है कि महिलाओं को लेकर ये अभियान की स्टार्ट की गई है। इसमें नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन से जुड़ी हुई चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें ये सब चीज़ें देखी जाएंगी कि महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं सभी जगह पर। कई सारे विभिन्न विभाग इसमें प्रोग्राम करेंगे। अब यकीन महिलाओं और बेटियों को भी करना होगा अपनी ताकत पर। वैसे तो ये कहावत आदमी के नाम पर गढ़ी हुई है, लेकिन ये कहावत सिर्फ और सिर्फ वजूद से है, फिर चाहे वो औरत का हो या आदमी का। कहावत है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मिशन शक्ति की जब बात चल ही रही है तो फिर उन बेटियों का जिक्र जरूरी है जिन्होंने मिशन शक्ति को सही मायने में परिभाषित किया है। फिर चाहे वो उनकी कामयाबी का मुकाम हो या फिर समाज के पैमानों को तोड़कर कुछ अलग करने की जिद, आगे बढ़ने की जिद। महिलाओं और बेटियों का ये जुनून बताता है कि अबला का ठप्पा समाज उन्हीं पर लगा सकता है जिन्होंने झुकना कबूल किया हो, वरना कुव्वत तो आसमान छूने की है। वाराणसी की बेटी शिवांगी उन्हीं लोगों में से एक है। आसमान का सीना चीरकर गोते लगाने की इस अदा को आजमाने वाला हिंदुस्तान की सेना का ये वो जाबाज है जिसकी झलक से दुश्मनों के दिल दहलने की गारंटी है। हिंदुस्तान की हिफाजत को हवा और आसमान में पुख्ता करने वाले इस घातक लड़ाकू हथियार को दुनिया और अब देश राफेल के नाम से जानता है। राफेल की खूबियों के किस्से आपने बहुत सुन और देख लिए होंगे, लेकिन राफेल की खुशकिस्मती और इतिहास में एक नाम जुड़ा है, बेटी का, जिसने इसकी शोहरत में चार चांद लगा दिए हैं। देश के साथ उत्तर प्रदेश को सुर्खियों में ला देने वाली ये बेटी है शिवांगी सिंह, जो इस वक्त भारतीय वायुसेना में बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तैनात है और बहुत जल्द रफ्तार की सौदागर राफेल की नकेल कस्ती नजर आएंगी। अपनी इस उपलब्धि के साथ शिवांगी राफेल के लिए बने स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट मानी जाएंगी। शिवांगी की तैनाती फिलहाल राजस्थान के एयरबेस पर है और फिलहाल वो देश के सबसे चर्चित फाइटर MiG-21 से आसमान की बुलंदियों को छू रही है।
राफेल के 17वें स्क्वाड्रन में जब शिवांगी के शामिल होने की खबर उनके पैतृक घर पहुंची तो परिवार फूला नहीं समाया था। बेटी की कामयाबी और उपलब्धि में हस्ताक्षर बने राफेल के आने की धमक से ज्यादा उन्हें बेटी के इस गौरव की गूंज सुनाई दी। वो जिसके नाना थे कर्नल बीएन सिंह, वो दिल्ली में थे तो उसको एक बार ले गए, 9th क्लास में पढ़ती थी, एयरवेज दिखाई दिए, तब से उसको जो है जज्बात आ गई थी, हम भी कुछ बन के दिखाना है, इसलिए उसको प्रेरणा मिल गई तो उसी पे जो है काम करना शुरू कर। सेना से शिवांगी का रिश्ता नाना की वजह से रहा, लेकिन शिवांगी सेना का हिस्सा होंगी ये फैसला उस दौर में किया जब वो 9वीं में पढ़ रही थी। वहीं एक इच्छा ने जन्म लिया जिसने देखे तो सिर्फ हवा में उड़ने के पंख, फाइटर पायलट बनने के सपने को संजोए आगे का रास्ता चुना और 2015 में ये सपना हकीकत की जमीन पर उतरा तो शिवांगी हवा में उड़ गए। खुशी तो बहुत है और डर भी है क्योंकि वो पीओके और एलओसी के बीच का है मामला है। डर भी है, डर तो उसको डर नहीं है, मुझे बहुत डर है, डर भी लगता है, खुशी तो इस वक्त की इतने ऊंचे मुकाम पहुंची तो शुरू से ही वो हर चीज में तेज थी, अव्वल, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, या एनसीसी में भी ज्वाइन की थी तो सब उसको बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे, बेटी नहीं कहते थे क्योंकि उसका ड्रिल इतना अच्छा था कि लड़के ही फेल हो जाते थे उसके आगे, वही सिखाती थी सबको। माँ बाप की भावुकता को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य भी अपनी बेटी की खुशी से कम फख्र में नहीं डूबे। हालांकि परिवार ही क्यों, पूरा प्रदेश और देश भी तो इस बेटी पर नाज करता घूम रहा। और उसको मिला MiG-21 बाइसन उड़ाने के लिए जो अभी तक उड़ा रही थी, इसमें उसकी पोस्टिंग भी राजस्थान में सूरतगढ़ एयरफोर्स का बेस है, वहाँ पे अभी काम कर रही है। अभी हम लोगों को भी 2-3 दिन पहले सूचना मिला कि उसका सिलेक्शन राफेल भी में हो गया है। एक खुशी की बात हुई है कि आज इंडिया के पास जो वर्ल्ड लेवल का एक फाइटर प्लेन है राफेल, उसमें उसका सिलेक्शन होने जा रहा है, वो उड़ाएगी, ये गर्व की बात है। ये सच है कि शिवांगी जैसी बेटियां और भी हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा करने में जी जान लगाई है और मनचाहा मुकाम पाया है, लेकिन कोई मुकाम मजबूत इरादों से नहीं, मंजिल के पते से भी तय होता है और शायद राफेल उसी मंजिल का नया नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राफेल दुनिया की जंग का खिलाड़ी है और जंग का मैदान सिर्फ देशों की सरहद नहीं होती, बल्कि सरहदों की तरह खिंचा खेल वो मैदान भी होता है जिसमें देश लड़ते हैं। देश की आन और बान के साथ उतरते हैं खिलाड़ी जिनका लक्ष्य है सिर्फ जीत नहीं बल्कि वो परचम भी होता है जिसमें वतन की पहचान होती है। बात एक ऐसी महिला शक्ति की हो रही है जो गांव की दहलीज से निकलकर दुनिया के फलक पर छा गई। राफेल के दम पर हिंदुस्तान हवा में हुकूमत का सपना सजो रहा है तो उस सपने की हकीकत में शिवांगी जैसी बेटी का दम भी शुमार है। लेकिन हुकूमत का मैदान अगर हॉकी हो तो भी हिंदुस्तान की बादशाहत का बुलंद इतिहास है। हालांकि ये सच है कि ऐसा इतिहास मेजर ध्यानचंद की बदौलत है, पर मेजर ध्यानचंद जिन्हें दद्दा कहा जाता था वो हिंदुस्तान के चुनिंदा घरों में फिर पैदा हुए और पले। हाँ, ये जरूर रहा कि दद्दा ने इस बार लिंग भेद नहीं किया, वो बेटा भी रहे और बेटी भी। ऐसी ही एक बेटी जो ध्यानचंद की विरासत को बढ़ाने के लिए गोरखपुर के गांव से निकली और अंतरराष्ट्रीय फलक पर छा गई। जिस बेटी की हम बात कर रहे हैं वो प्रीति दुबे है, भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की सदस्य जो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी है। प्रीति की कामयाबी का मंत्र सही मायने में कहा जाए तो वही है जो वो कहती आई है, प्रीति हॉकी को पूजा और भारत को मां मानती है। गोरखपुर के खजनी इलाके के भेउसा गांव की रहने वाली प्रीति की बुनियादी पढ़ाई गांव में हुई, जहां से परिवार गोरखपुर के रेलवे कॉलोनी में शिफ्ट हुआ तो प्रीति ने आगे की पढ़ाई की। इसके बाद प्रीति ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया तो औपचारिक तौर पर उनका हॉकी का करियर शुरू हुआ। प्रीति ने हॉकी में अपनी पहचान बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया है,
इस संघर्ष में कामयाबी ने उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में बड़ी मदद की है। पढ़ाई के साथ खेल की शुरुआत हुई तो पहली बार स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ से नेशनल खेलना शुरू किया तो टीम ने लगातार 2 साल पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद प्रीति का सिलेक्शन ग्वालियर महिला हॉकी अकेडमी में हो गया। 2014 में प्रीति का सिलेक्शन महिला जूनियर टीम अंडर 19 के लिए हो गया। अंडर 19 टीम की कप्तान भी प्रीति दुबे रही। इसके बाद 2015 में उनका सिलेक्शन सीनियर टीम में हो गया। 2016 में प्रीति की टीम को साउथ एशियन कप में गोल्ड मेडल मिला। 2016 में ही प्रीति ने रियो ओलंपिक में शिरकत की। प्रीति भारतीय टीम में मिडवर्ड और फॉरवर्ड के तौर पर खेलती हैं। अब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में प्रीति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने बेहतरीन खेल के चलते लाखों रुपए का पुरस्कार अपने नाम किया है। प्रीति की इस उपलब्धि को इसलिए भी बड़ा माना जाना चाहिए क्योंकि प्रीति उस इलाके से आती हैं जहां खेलकूद की सुविधाओं को छोड़ दें तो बुनियादी सुविधाओं के लिए मशक्कत और सियासत बदनाम है। इन हालात के बीच एक ऐसे खेल के साथ अपने सपनों को पूरा करने का जुनून पालना समझदारी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रीति की कामयाबी बताती है कि सपनों की मंजिल और पता अगर सही है और उससे सही उस राह में बढ़े कदम हैं, तो फिर कामयाबी को झक मार कर आपके पास आना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस बेटी की जिसने वास्तव में अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी बहादुरी का जौहर दिखाकर किया। बदमाशों के मुकाबले ना वो जरा भी कमजोर पड़ी, न डरी, जान पर बनाई, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। ये कहानी है कानपुर की दीक्षा की। महिला शक्ति की मिसाल सिर्फ वो नहीं जिसमें कोई महिला एक बड़ा मुकाम हासिल कर ले, बल्कि उस शक्ति और ताकत से है जिसे वो खुद के भीतर समेटे रहती है। लेकिन अपनी शालीनता, सज्जनता, सहनशीलता और सौम्यता के आवरण के नीचे तब तक ढकी रहती है जब तक उसको कोई सामने से चुनौती ना दे। कानपुर में बर्रा के वरुण विहार इलाके में रहने वाली इस बेटी की कहानी कुछ ऐसी ही है। जख्मी हालत में पड़ी इस बेटी की ऐसी तस्वीर सितंबर महीने की है। बीएससी सेकेंड ईयर की इस छात्रा का नाम दीक्षा श्रीवास्तव है। सोचिए, जिस समाज में हमारी बेटियां चुपचाप छेड़खानी को बर्दाश्त करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की सीख देने से अपने भी पीछे नहीं रहते हैं। उस वक्त में किसी बेटी के साथ लूट की वारदात हो और उसका आत्मबल उसे कदम पीछे रखने से मना कर दे, तो फिर उस बेटी को उसके जज्बे के लिए सलाम क्यों ना किया जाए। दीक्षा की कहानी कुछ ऐसी ही है। सितंबर की 19 तारीख को जब ये कोचिंग के लिए जा रही थी, इसी दौरान दो बाइक सवारों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। होने को ये हो सकता था कि दीक्षा डर जाती, सक पकाकर बेहोश हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बदमाश ने मोबाइल छीनने की कोशिश की तो दीक्षा बिना सोचे समझे भिड़ गई। बदमाशों से भिड़न की कीमत इसे चुकानी पड़ी क्योंकि बदमाशों ने दीक्षा पर काबू पाने के लिए इसका दुपट्टा पकड़ लिया। दुपट्टा पकड़ते ही दीक्षा का गला कसने लगा। मोबाइल ना छोड़ने की सूरत में बदमाश उसे घसीटने लगे, लेकिन दीक्षा ने मोबाइल छोड़ा नहीं। आखिरकार गली में कुछ लोगों के आने से बदमाश दीक्षा को छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। इसके बाद दीक्षा फौरन अपने घर गई, जहां दीक्षा के पिता ने पूरी घटना जानने के बाद पुलिस में इसकी शिकायत की। जाहिर है, दीक्षा की हिम्मत और हौसला मिसाल है उन तमाम बेटियों के लिए जो हालात के आगे झुकने को मजबूर हो जाती हैं। यही वजह है कि दीक्षा खुद भी मानती है कि मिशन शक्ति महिलाओं और बेटियों में नई ताकत भरेगा। जैसे मैंने सभी इन चोरों का निष्पक्ष रूप से डर को अपने हराते हुए, उनसे लड़ते हुए मैंने उन सबका सामना किया और मैं उन सभी महिलाओं से कहूँ कि आप डरिए मत, आप खुद इतने स्टेबल हैं, आप हर किसी के सामने, आप किसी की आपको आवश्यकता नहीं कि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, आप खुद इतने सक्षम है कि आप उन चोरों का सामना, जैसे मैंने चोरों का सामना किया, वैसे आप दुनिया के हर समाज के सभी लोगों का सामना कर सकते हैं।
और मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगी कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण दिवस आज मनाया और एक महिला और बेटियों को इतना अच्छा संदेश दिया है कि जो हर कोई, मैं महिला और बेटियों के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा सब कुछ रेप वगैरह हो रहा है, तो उनसे कह रहे कि आप खुद इतना स्टेप है, आप खुद कोशिश करिए, न्याय आपको सरकार दिलाएगी, सरकार सबके समक्ष में बोलती है। बहरहाल दीक्षा का कहना काफी हद तक जायज है, सिर्फ सरकार के भरोसे मत बैठिए क्योंकि अपनी सुरक्षा का जिम्मा सबसे पहले आपको खुद उठाना होगा क्योंकि सरकारी तंत्र समय देखकर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऐसी बात है।